हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैंगटॉक। ये रही रोहतक मॉनेस्ट्री। तो अभी मैं पहुंचा हूँ अनिकुंबा मॉनेस्ट्री। तो अभी ये अनिकुंबा मॉनेस्ट्री के बाद मैं आया हूँ लिंगडुम मॉनेस्ट्री में। तो बज चुके हैं 7 और अभी मैं जो कवर करूँगा वो गैंगटॉक की नाइट लाइफ। ओके, 18 प्लस कंटेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेलकम टू चैनल। तो अभी बज रहे हैं 10:30। बहुत पूरे मॉर्निंग से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है और क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। तो इसलिए मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गैंगटॉक के बारे में। अभी मैं जा रहा हूँ रोहतक वैली। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक बार आपको यहाँ का MG रोड और उसका पूरा पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, और पॉसिबल हुए तो ड्रोन शॉट्स भी, और फिर चलेंगे हम लोग रोहतक वैली और देखेंगे और क्या क्या यहाँ पर गैंगटॉक में कवर करने लायक। ओके, तो स्टे ट्यून्ड टू विक्स एंटरटेनमेंट, चलते हैं। तो निकल गया हूँ मैं अभी रोहतक मॉनेस्ट्री के लिए। यहाँ से गैंगटॉक सिटी से आपका ये तकरीबन 25 किलोमीटर जी सर, 25 किलोमीटर है। वेल, गैंगटॉक शहर एक गेटवे है सिक्किम में और दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि नाथुला पास, लाचुंग, यामथंग वैली, रावंगला, पीलिंग। MG रोड में इधर उधर चक्कर मारने और शॉपिंग करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप गैंगटॉक को एक्सप्लोर कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए यहाँ की खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज को, जैसे कि रोहतक मॉनेस्ट्री, लिंगडुम मॉनेस्ट्री, अनिकुंबा मॉनेस्ट्री। तो ये पहुँच गया हूँ मैं रोहतक मॉनेस्ट्री। अब चलता हूँ यहाँ से अंदर, कुछ IDs वगैरह ये लोग देखेंगे। तो ये है रोहतक मॉनेस्ट्री, ये गैंगटॉक से है 25 किलोमीटर दूर। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तब तो इजी है आना, अदरवाइज़ ट्रांसपोर्ट का थोड़ा इशू है। ट्रांसपोर्ट का इशू ये है कि आपको शेयरिंग कैब्स वगैरह नहीं मिलेंगी, आपको बुक करके ही आना पड़ेगा। जो बुकिंग प्राइस है कैब्स का वो वरी करता है 2,000 से 3,000 के बीच में, वो डिपेंड करता है आप कितना बार्गेनिंग कर लोगे। सिक्किम में ये है कि अगर आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट है तब थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। ये रही रोहतक मॉनेस्ट्री, और अंदर जाने पे आपको बैग वगैरह सब चेक होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते हो। प्लस यहाँ तक ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ है। जब आप मॉनेस्ट्री के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं है। रोहतक मॉनेस्ट्री, जिसे धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडिया में सबसे बड़ा बौद्धिक मठ है। इस मॉनेस्ट्री के अंदर एक सोने का स्तूप है, एक मंदिर है, एक धर्मशाला है और मॉन्क स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है। तो अभी मैं पहुंचा हूं अनिकुंबा मॉनेस्ट्री। ये है रोहतक मॉनेस्ट्री से 15 किलोमीटर दूर, और अगर आप गैंगटॉक से आते हैं, गैंगटॉक सिटी से आते हैं, तो भी ये 15 किलोमीटर दूर है। बेसिकली ये नन मॉनेस्ट्री है, यहाँ पर फीमेल नन्स रहती हैं और काफ़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ से जो गैंगटॉक का व्यू है वो तो भाई साहब ऑसम, अभी दिखाता हूँ। तो अभी ये अनिकुंबा मॉनेस्ट्री के बाद मैं आया हूँ लिंगडुम मॉनेस्ट्री में। ये अनिकुंबा और रोहतक मॉनेस्ट्री के बीच में ये लिंगडुम मॉनेस्ट्री पड़ती है। ये बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है, बट कोविड की वजह से इसको बंद कर रखा है पब्लिक के लिए, सो अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाना। तो अगर मैं परमिशन ले लेता हूँ, अगर ये लोग मुझे ड्रोन शॉट अलाउ करते हैं, अगर मैं अंदर नहीं गया, मैं यहीं से ड्रोन शॉट लूँगा इस मॉनेस्ट्री का। लेकिन बहुत, अगर आप इसको फोटो में देखोगे तो बहुत खूबसूरत मॉनेस्ट्री है, सो ये कवर होना चाहिए था, बट कोई नहीं, अगर रूल्स हैं तो रूल्स हैं। ड्रोन शॉट का ट्राई करते हैं एक बार, चलिए।
देखा आपने लिंगदुम मॉनेस्ट्री का एरियल व्यू, बहुत खूबसूरत मॉनेस्ट्री है यार। अगर ये जाने देता ना, मज़ा आ जाता बाय गॉड, लेकिन वही हुआ, जाने दिया नहीं। थोड़ी सी ये परमिशन मिल गई कि मैं ड्रोन को उड़ा सकता हूँ, वो भी बाहर बाहर से। अंदर तो मैं गया नहीं, बट जितना मैंने एरियल शॉट ले सकता था बाहर से, मैंने उतना मैंने कोशिश की। बाकी रूल्स आर रूल्स, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, अगर हैं तो सबके लिए हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो बच चुके हैं 7, मैं हूँ गैंगटॉक में, और अभी मैं जो कवर करूँगा वो गैंगटॉक की नाइट लाइफ। ओके, 18+ कॉन्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मजाक कर रहा हूँ, 18+ कॉन्टेंट नहीं है, बस हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो 18 साल के बाद ही अलाउ होती हैं। एक और चीज़, दारू बहुत सस्ती है सर। ओके, सो जितने भी शौकीन हैं दारू के, उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। बाकी सब कुछ महंगा है, लेकिन ये चीज़ सस्ती है। तो अभी कवर करते हैं यहाँ के कुछ नाइट क्लब्स और कैसा रहता है माहौल रात में गैंगटॉक। चलो, शाम होते ही गैंगटॉक काफ़ी हैपनिंग हो जाता है। उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पार्टीज़ के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, लिकर काफ़ी सस्ती है और आराम से किसी भी शॉप और रेस्टोरेंट में मिल जाती है। अब जिन लोगों को नाइट क्लब्स में जाने का शौक है, उनके लिए भी यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस हैं। मैंने इस वीडियो में 2 नाइट क्लब कवर किए हैं, आफ्टर डार्क एंड बेसमेंट 2.0। दोनों ही क्लब्स में एंट्री 500 है और वो अंदर जाके रिडीम नहीं होगी। लिकर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों क्लब्स में। तो ये MG रोड के जस्ट पास में ही एक है, क्लब है, नाइट क्लब है, जिसका नाम है आफ्टर डार्क नाइट क्लब। सो चलो देखते हैं कैसा है ये नाइट क्लब। आफ्टर डार्क क्लब काफ़ी स्पेशियस है और ग्रुप के लिए एक परफेक्ट क्लब है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं बेसमेंट 2.0 में। ये यहाँ का एक और नाइट क्लब है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं एक बार, ये कैसा है। बेसमेंट 2.0 काफ़ी रफ एंड टफ टाइप का क्लब है। म्यूजिक काफ़ी अच्छा है बेसमेंट 2.0 में। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपने किस क्लब में जाना है। तो ये था गैंगटॉक के बारे में। डे टाइम में आप गैंगटॉक का स्पिरिचुअल टूर ले सकते हैं यहाँ की मॉनेस्ट्रीज को एक्सप्लोर करके, और नाइट टाइम तो हमेशा पार्टीज के लिए ऑन ही रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं कवर करूंगा नॉर्थ सिक्किम लाचंग यामथंग वैली, साउथ सिक्किम रावंगला एंड नामची, वेस्ट सिक्किम स्काईवॉक पेलिंग। सो स्टे ट्यून्ड टू विक्स एंटरटेनमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग ट्रैवल वीडियोज़।